नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम महाकवि दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित एक कंठ विष पाई इस काव्य नाटक के प्रमुख पात्र शिव जी अर्थात शंकर का चरित्र चित्रण देखेंगे। तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य 3 इस विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक कंठ विष पाई यह काव्य नाटक पाठ्यक्रम में दिया गया है। इस काव्य नाटक के अंतर्गत शिव पुराण की कथा को लिया गया है। सामान्यतः सती का आत्मदाह यह शिव पुराण का प्रसंग इस काव्य नाटक की नींव में रखा गया है और उसके आधार पर दुष्यंत कुमार ने अपनी कथा का ताना बाना बुना है। विशेषतः राजा दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ के आसपास इस काव्य नाटक की कथा रची गई है। अब यद्यपि इस काव्य नाटक का मूल रूप मूल कथा वस्तु पौराणिक है, लेकिन केवल पौराणिक घटनाओं की जानकारी देना या केवल पौराणिक तथ्य हमारे सामने रखना कवि का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दुष्यंत कुमार ने आधुनिक संदर्भों में इस पौराणिक कथा को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। विशेष रूप से वर्तमान राजनीतिक संदर्भों में यह काव्य नाटक लिखा गया है। दूसरी ओर इस काव्य नाटक का प्रकाशन 1963 में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इसका लेखन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में किया गया है। इसी कारण दुष्यंत कुमार जी ने इस काव्य नाटक के अंतर्गत बहुतांश पौराणिक पात्रों को लेने के बावजूद उन पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक युद्धीय संदर्भ या युद्धीय हिंसा को दर्शाने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही कवि अनेक मौलिक या अनेक श्रेष्ठ उपदेश देने का काम भी इस काव्य नाटक में करते हैं। अब इस काव्य नाटक के सबसे प्रमुख पात्र या सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं शिव जी। अब शिव को इस काव्य नाटक के कथा के नायक माना जाता है। वैसे प्रत्यक्ष रंगमंच की उपस्थिति की दृष्टि से देखा जाए तो केवल तीसरे सर्ग में शिव प्रत्यक्ष उपस्थित हुए हैं या रंगमंच पर उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति दिखाई देती है, लेकिन पहले दूसरे और चौथे दृश्य में शिव भले ही रंगमंच पर प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं, फिर भी सारी कथा उनके आसपास ही चलती है। मतलब कथा के प्रारंभ से लेकर कथा के अंत तक सभी पात्रों के माध्यम से जो चर्चा चलती है वह शिव के बारे में ही चलती है, या सभी पात्रों की बातचीत का जो विषय होता है वे शिव ही होते हैं। इसी कारण इस काव्य नाटक में शिव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र माना गया है, और केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र ही नहीं तो उन्हें इस कथा का नायक माना गया है। अब कुल मिलाकर कथाक्रम को अगर हम देखें तो शुरुआत में विरिणी की चर्चा या त्विरिणी की चिंता है। चिंता किस बात की है? शिव और सती को यज्ञ में बुलाया नहीं, मतलब उसकी चिंता का विषय भी शिव है। फिर विरिणी दक्ष को समझाने का प्रयत्न करती है, दक्ष नहीं मानता है। किस बात के संबंध में? वहां भी विषय शिव ही है,
क्योंकि वीरिनी शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रण देने हेतु दक्ष पर दबाव डालने की कोशिश करती है, दक्ष को समझाती है, लेकिन दक्ष शिव को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर उनसे विरोध करता है या उनसे बदला लेने की बात करता है। तीसरी ओर जैसे ही शिव के खिलाफ वह षड्यंत्र रचता है, वहां पर शिव का राजनीतिक रूप दिखाया गया है और शिव एक राजनेता या सत्ताधारी वर्ग के प्रतीक के रूप में दक्ष उनका विरोध करता है ताकि उन्हें नीचा दिखाकर सत्ता प्राप्त की जा सके या सत्ता को भी प्राप्त कर सके। फिर दक्ष के निमंत्रण के बिना सती का आगमन होता है। यज्ञ भवन में सबके लिए व्यवस्था, केवल अपने पति के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ये देखकर सती क्रोधित हो जाती है, उपस्थितों को अपशब्द कहती है। ये बात जब दक्ष तक पहुंचती है, क्रोधावेश में दक्ष सती को समझाने के बजाय, उसके क्रोध को शांत करने के बजाय शिव के लिए अपशब्द कहता है, शिव का अपमान करता है और एक आदर्श भारतीय नारी, एक आदर्श भारतीय पत्नी होने के नाते ये सब कुछ सती से सहा नहीं जाता और वह यज्ञ कुंड में आत्मदाह करवा लेती है, जलकर मर जाती है। जब नंदी द्वारा ये बात शिव को पता चलती है, शिव दक्ष के नगर में विध्वंस मचाने का आदेश देते हैं। अब इस सारे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इसके मूल में शिव ही हैं। दूसरे दृश्य में भी ब्रह्मा विष्णु की चर्चा का विषय शिव ही है, शिव के क्रोध को शांत करना है। इंद्र, वरुण, कुबेर, इनका आग्रह शिव को दंड देने का है, ब्रह्मा विष्णु का उन्हें समझाना है और अंत में कैलाश जाने की बात होती है। मतलब दूसरे दृश्य में भी शिव का ही चरित्र आया है। तीसरे दृश्य में अगर देखें तो शुरू में ही शिव अपनी पत्नी की लाश को अपने कंधे पर उठाए अपना दुख वियोग प्रकट कर रहे हैं और एक अत्यंत सामान्य मनुष्य जैसा उन्हें दिखाया है, तो वहाँ भी शिव है। तो वरुण कुबेर भी शिव को समझाने का प्रयत्न करते हैं। आगे जाकर युद्ध चौथे दृश्य में इंद्र शिव से युद्ध करना चाहता है, अनुमति लेने ब्रह्मा के पास आता है और अंत में सती की लाश के टुकड़े हो जाने के साथ शिव का क्रोध शांत हो जाता है। मतलब पूरा कथानक अगर हम यहाँ देखें तो पहले दृश्य से लेकर अंत तक हर जगह शिव ही शिव है, हर जगह शिव के बारे में ही जानकारी दी गई है और यही कारण है कि इस काव्य नाटक में शिव की सत्ता, शिव का चरित्र सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देता है। इतना ही नहीं, फल प्राप्ति की उद्देश्य या फल प्राप्ति की दृष्टि से भी शिव ही इस काव्य नाटक में सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। इसी कारण शिव को इस काव्य नाटक का नायक माना गया है। अब शिव के चरित्र को अगर हम देखें तो शिव के चरित्र में एक नायक होने के साथ साथ एक परंपरा भंजक या क्रांतिकारी रूप, युवा पीढ़ी के प्रतीक, सच्चे प्रेमी, प्रियासक्त, अपार शक्तिशाली, वैचारिक एवं भावनात्मक द्वंद्व से ग्रस्त, आधुनिक राजनेता, अविचारी शासक, सामान्य जनता के प्रतीक आदि अनेक रूपों में इस काव्य नाटक के अंतर्गत दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो शिव एक परंपरा भंजक रूप में या एक क्रांतिकारी युवा पीढ़ी के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब वे बिना दक्ष की अनुमति के सती से विवाह करवा लेते हैं तो यहाँ शिव और सती दोनों युवा पीढ़ी का प्रतीक है जो अपने निर्णय खुद लेते हैं, माता पिता की अनुमति की चिंता या माता पिता की अनुमति की जरूरत उन्हें नहीं होती है। तो वहाँ पर शिव और सती दोनों ही आधुनिक युवा पीढ़ी के प्रतीक बनकर सामने आते हैं। वही सामान्यतः प्राचीन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेटा या बेटी के विवाह का निर्णय करना माता पिता का काम, माता पिता का कर्तव्य माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में शिव और सती दोनों खुद का विवाह
खुद निश्चित करते हैं और खुद का विवाह खुद निश्चित करने के कारण वहाँ पर उनका परंपरा भंजक या परंपराओं को तोड़ने वाला रूप जो है वो हमें दिखाई देता है। और जो सामान्य परंपराएं रही है वहाँ पर शिव उन परंपराओं को तोड़ते हुए दिखाई देते, उनका वह क्रांतिकारी रूप वह आया है। तीसरा है, जब सती की मृत्यु हो जाती है, सती उस यज्ञ भवन में या यज्ञ कुंड में जलकर मर जाती है और जब ये बात शिव को पता चलती है तो शिव भयंकर क्रोधित होते हैं। इतने क्रोधित होते हैं कि क्रोधावेश में अपने गणों को आदेश देते हैं कि वे जाकर संपूर्ण दक्ष के नगर को ध्वस्त कर डाले। तो ये उनका सती से प्रेम है। और इतना ही नहीं, आगे जाकर हमने देखा कि जब जैसे ही शिव के गण, विशेषतः नंदी वगैरह गण, सती की लाश को कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं, सती की उस लाश को शिव अपने कंधे पर डाल लेते हैं और तीसरे सर्ग से लेकर चौथे सर्ग तक, अर्थात सती की लाश के टुकड़े होने तक, वे उसी लाश को अपने कंधे पर रखकर अपना वियोग, अपना दुख व्यक्त करते हैं। यहाँ पर उनका सच्चा प्रेमी रूप स्पष्ट दिखाई देता है। वे सती से एकनिष्ठ प्रेम करते हैं। किंतु यही शिव को अपनी पत्नी के प्रति या अपनी प्रेमिका के प्रति बहुत अधिक आसक्त भी दिखाया गया है, क्योंकि शिव का वियोग तो एक कुछ हद तक ठीक है, एक पति का एक पत्नी के मृत्यु पर वियोग व्यक्त करना ठीक है, लेकिन शिव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, शिव देवता है। और केवल सामान्य देवता नहीं है, सृष्टि की तीन प्रमुख शक्तियाँ अर्थात त्रिदेव की जो संकल्पना हम मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से ये शिव अर्थात महेश सृष्टि के संहार करता है, तीन शक्तियों में से एक है। ऐसी परिस्थिति में एक इतने बड़े ईश्वर को, इतने बड़े देवता को एक सामान्य मनुष्य जैसा वियोग व्यक्त करना, विरह व्यक्त करना, प्रलाप करना शोभा नहीं देता। तो वह उनका प्रियासक्त रूप भी कवि ने अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। एक प्रकार से वे अपने देवत्व को भूल जाते हैं और सामान्य मनुष्य जैसा सती के वियोग में प्रलाप करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपना देवत्व भी धिक्कार लगने लगता है। वे कहते हैं दिक मेरा देवत्व, उन्हें अपना देवत्व भी धिक्कार लगता है। वे उसे धिक्कारते हुए अपनी पत्नी के दुख में अपना वियोग व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर उनका बहुत अधिक प्रियासक्त रूप भी दिखाया है। अगला है, शिव का जो रूप हमें दिखाई देता है वह अपार शक्तिशाली, खास करके ब्रह्मा के माध्यम से कवि ने इस रूप को दर्शाया है। जब ब्रह्मा इंद्र को समझाते हैं कि शिव से युद्ध करना संभव नहीं है, क्योंकि शिव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, शिव अपरंपार शक्ति के धनी है, शिव के पास इतनी शक्ति है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनसे विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, उनसे युद्ध करना आत्मघात होगा। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी के माध्यम से हमें शिव की अपार शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। शिव का अगला रूप है वैचारिक एवं भावनात्मक द्वंद्व से ग्रस्त। यद्यपि शिव एक ईश्वर है, एक देवता है, इसके बावजूद वे बीच बीच में एक सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। बीच बीच में उनमें एक भावनात्मक द्वंद्व जो है वह दिखाई देता है। एक ओर उनके ईश्वर होने का गर्व है तो दूसरी ओर एक मनुष्य के रूप में अपनी प्रिय पत्नी के निधन पर वे अपने दुख को व्यक्त करते हैं। तो वहाँ पर उनका वैचारिक या भावनात्मक द्वंद्व दिखता है। इसी द्वंद्व के कारण वे अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु पर प्रतिशोध से भर जाते हैं, प्रतिज्ञा तक ले लेते हैं और कहते हैं कि अगर संध्या होने तक सती को होश नहीं आया तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर डालूंगा, सब कुछ खत्म कर डालूंगा। ऐसी परिस्थिति में शिव जो है वह एक द्वंद्वग्रस्त रूप में, क्योंकि वहां भी हमने देखा एक लाश, एक इतने बड़े महान देवता को, एक लाश को अपने कंधे पर लेकर युद्ध भूमि में जाना और केवल अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए संपूर्ण लोगों को जिम्मेदार ठहराकर युद्ध के लिए प्रेरित होना शोभा नहीं देता, ये उनकी द्वंद्वग्रस्तता है। दूसरी ओर
जो कुछ हुआ है वो दक्ष के कारण हुआ है, इसमें जनता का कोई दोष नहीं है, लेकिन शिवगण जो अत्याचार अन्याय उत्पाद मचाते हैं उस अन्याय अत्याचार उत्पाद में अनेक सामान्य लोग बलि का बकरा बन जाते हैं, मारे जाते हैं, उन पर अन्याय अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है और काफ़ी व्यापक मात्रा में जीवित हानि वहाँ पर होती है। तो उस माध्यम से, और इतना ही नहीं, शिव अपनी पत्नी के वियोग में प्रतिज्ञा करते हैं, उन्हें ये भी समझना चाहिए कि जो कुछ होता है वह विधि का विधान है और विधि के विधान में इन त्रिदेवों की संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मा पालन करता, विष्णु रक्षण करता और शिव संहार करता, इनकी भूमिका इस विधि के विधान के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें यह समझना चाहिए कि एक बार किसी की मृत्यु हो जाए तो वह वापस नहीं आता है, इसके बावजूद वे प्रतिज्ञा करते हैं कि संध्या होने तक अगर सती को होश नहीं आया तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। अब यहाँ पर उनकी द्वंद्वग्रस्तता स्पष्ट रूप से दिखती है, किसी भी एक निश्चित विचार पर वे नहीं चल पाते हैं। हाँ, एक ठीक है कि अंत में जब सती की लाश के टुकड़े होते हैं तो अपने आप वो टुकड़े जब बिखर जाते हैं, वह मोह माया का जो कारण शिव का था वह नहीं रहता है, शिव का देवत्व वापस आता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है, आसन्न युद्ध की संभावना टल जाती है। शिव कुल मिलाकर इस काव्य नाटक को अगर हम देखें तो शिव एक आधुनिक राजनेता या सत्ताधारी वर्ग के प्रतीक लगते हैं, किंतु कुछ विद्वान शिव को सामान्य जनता की शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं। अब ब्रह्मा के माध्यम से सामान्यतः जो कथन किया गया है, ब्रह्मा कहते हैं कि शिव अपरंपार शक्तियों के धनी है, उन्हें पराजित करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शिव जनता की अपरिमित शक्तियां हैं, क्योंकि जनता में भी इतनी व्यापक शक्तियां हैं, अगर जनता चाहे तो कितना भी राजनेता बड़ा क्यों न हो उसे सबक सिखा सकती है, उसे जमीन पर लापटक सकती है। अगर जनता एक हो जाती है तो जनता की इस शक्ति को दिखाने का प्रयत्न भी शिव जी के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। लेकिन दूसरी ओर शिव को वर्तमान राजनेता, स्वार्थी अवसरवादी राजनेता भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जो विचारों की दृष्टि से असंवेदनशील है, जो अपने व्यक्तिगत बातों के लिए जनता पर अन्याय अत्याचार करता है, क्योंकि शिव का जो झगड़ा है वह दक्ष के साथ है। सती ने जो आत्मदाह कर्म लिया है वह दक्ष के कारण किया है, इसमें दक्ष की प्रजा का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शिव को अगर गुस्सा आता भी है तो उसे जो कुछ करना था वह अपने ससुर दक्ष के साथ करना चाहिए था, न कि सामान्य जनता पर। लेकिन शिव अपने गणों को आदेश देते हैं और उन्हीं के आदेश पर हमने देखा शिवगण दक्ष की प्रजा पर अन्याय अत्याचार करते हैं, काफ़ी बड़ी जीवित हानि वहाँ पर होती है, हड्डियाँ बिछ जाती है, रक्त जमा होता है। ये सब कुछ शिव अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु, व्यक्तिगत बातों हेतु करते हैं। तो वहाँ पर शिव को एक अविचारी शासक, जो बिना परिणामों पर विचार किए, जो बिना किसी प्रकार के विचार किए सब कुछ होता है, तो ये उनकी अविचारशीलता भी है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि इस काव्य नाटक में शुरू से अंत तक शिव को एक व्यापक अर्थों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। कवि ने शिव का प्रयोग आधुनिक राजनीतिक संदर्भों में किया है, आधुनिक राजनीतिक अव्यवस्था को व्यक्त करने के लिए किया है, आधुनिक राजनेताओं की असंवेदनशीलता, आधुनिक राजनेताओं का सत्ता कुर्सी का खेल, मोह, युद्ध पिपासु या हिंसावादी प्रवृत्ति, इन सब को इस काव्य नाटक में व्यक्त करते हुए कवि शिव की योजना करते हैं। और शिव एक और सामान्य जनता के प्रतीक भी हो सकते हैं, तो दूसरी ओर वे एक अविचारी राज सत्ता के या एक अविचारी शासन तंत्र के प्रतीक भी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक भी है। वे एक और कुछ अच्छे गुणों से युक्त भी है, एक सच्चे प्रेमी है, परंपरा भंजक है, लेकिन कहीं कहीं उन्हें परंपरा से ग्रस्त भी दिखाया गया है, क्योंकि उन्हें वही परंपराग्रस्तता उन्हें अपनी पत्नी की लाश को लेकर या पत्नी की लाश को अपने पास रखने में दिखती है।
एक और शिव युवा पीढ़ी के प्रतीक है, युवा पीढ़ी के रूप में कुछ नवीन निर्णय लेते हैं जो पारंपरिक चीजें उनका विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर वही अपनी पत्नी की पारंपरिक लाश लेकर अपने दुख को व्यक्त करते हैं, भावनात्मक द्वंद्व में फंसे रहते हैं, वैचारिकता की दृष्टि से क्लियर स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार से शिव का चरित्र इस काव्य नाटक में कुल मिलाकर आया है। हाँ, एक बात अवश्य है कि शिव इस काव्य नाटक में सबसे अधिक विस्तार के साथ आए हैं, या सर्वाधिक मात्रा में शिव का चरित्र इस काव्य नाटक में हमें देखने को मिलता है। इसी कारण शिव को इस काव्य नाटक का नायक माना जाता है। तो इस प्रकार से शिव का चरित्र है। धन्यवाद।